बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक सोलर इन्वर्टर दिखाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो सेंड की थी, तो आज फिर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये तैयार हुआ है 5 KV में। पहले तो मैंने वो कंपैरिजन किया था ना कि एक बना हुआ था फैसलाबाद वालों का, तो उसके साथ करके लोगों को बताया था। अब ये देखें, ये 5 KV का तैयार हुआ है और इसमें ये जो लगे हुए हैं ना IGBT, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं ताकि ये लोड को बर्दाश्त करें। और ये इस तरफ ये देखें, ये इधर ब्रिज लगाया है, ये है ब्रिज, ये भी बड़ा हैवी किस्म का है ब्रिज। और इसके साथ ये रिले लगी हुई है, और ये रिले चेक करें, ये वाली, ये बहुत हैवी किस्म की है। ये देखें कितनी इसके कॉपर की अंदर वो प्रिंट से कितने बड़े बड़ी लिंक्स लगी हुई हैं, क्योंकि इस पर लोड आना है, इसने लोड जब शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है, तो ये बड़ी लगी होगी तो ये काम करेगी। अक्सर आप देखेंगे उनके रिले ही नहीं लगी, अगर रिले ही नहीं लगी तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्ट ही नहीं करता। तो सब झूठ बोलते हैं कि ये जी कन्वर्ट करेगा जी, ये वापडा से शेयरिंग करेगा जी, ये करेगा शेयरिंग, उसने क्या करनी जब लोड चल रहा है। तो अगर ये रिले अगर कम लगी है तो रिले को तो फौरी आग लग जाएगी, जल जाएगी। और ये देखें इसके कैपेसिटर देखें, ये कितने बड़े बड़े लगा दिए, हैवी किस्म के। ये देखें ये कैपेसिटर बहुत हैवी किस्म के 2 लगाए हैं। और ये इंडक्टर है ये वाला, ये इन्होंने खुद अपने हाथ से दस्ती बनाया हुआ है, और ये असल प्योर कॉपर में बनाया है, ये सिल्वर में नहीं बनाया। और अक्सर आपको नज़र आएंगे लोगों के बने हुए तो वो सिल्वर में होते हैं। और इसकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है। और इसकी ये देखें, और सारे पुर्जा जहाज जो है ना बहुत बेहतरीन किस्म के लगाए गए हैं कि किसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी ना आए, और ये वाकई लोड बर्दाश्त करेगा। और इसका ये है कि इसके साथ एक तो बैटरी नहीं लगानी पड़ती, ये बगैर बैटरी के चलता है, सुबह से लेकर 7-8 बजे से लेकर निकल आएगी तो शाम 5-6 बजे तक ये काम करेगा। और उसके बाद भी अगर इसको PV कम मिलेगी, जितनी PV कम होगी उतना लोड से वो वापडा से शेयरिंग कर लेगा, उतना लोड लेगा। दूसरे जो बने हुए हैं ना कंपनियों, उनका नाम देकर लोगों ने बनवाए हुए हैं, फ्रॉनस है और कंपनियां हैं, तो उनके जो है वो अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो वो फौरन शिफ्ट कर देता है वापडा पर। और लोग चीख रहे हैं बेचारे कि हमारे ने तो 12-13 लाख 15 लाख लगा कर यार प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन हमारे बिल में फ़र्क 1 रुपये का नहीं पड़ा बल्कि ज़्यादा हो गया। उसकी वजह यही है कि लोग फिर एक तो ये सोचकर चलाते हैं कि फ्री चल रहा है, ठीक है चलने, तो घर वाले भी एहतियात नहीं करते, वैसे ही चलाते हैं। या फिर वो वापडा पर कन्वर्ट होता तो लोगों के तो जहन में वही होता कि ये फ्री पता नहीं हमारा चल रहा है, लेकिन फ्री नहीं चल रहा होता, वो तो वापडा पर कन्वर्ट हो गया, इसलिए इनका बिल ज़्यादा आता है। और इसका ये फ़ायदा बेनिफिट है कि इसकी PV जब तक काम करेगी, शाम तक जितना काम होगा उतना एम्पेयर ही वो वापडा से लेगा, ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। और ऑटोमेटिक है, इस पर कोई ज़रूरत नहीं है कि शाम को इसका ये स्विच बंद करो जी, तो वो स्विच बंद करो जी, तो इसको ऐसे करो, ये ऑटोमेटिक है सारा फुल, आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इंस्टॉल हो गया एक बार, उसके बाद आप फारिग, आपका कोई टेंशन नहीं है, ये खुद ही खुद वर्क करता रहेगा। और इसके साथ 8 प्लेटें लगेंगी, आप 570 वाट की लगा लें या 585 वाट की लगा लें, 8 लगाएँ प्लेटें, सोलर प्लेटें। और इनके साथ ये बेहतरीन किस्म का है, और इसमें हर एक चीज़ जो है वो काबिले एतमाद बेहतरीन है, और आपको भी पता चलेगा कि ये वाकई कॉस्टली है और इसका रेट दूसरों से कम है। जो कंपनी फ्रांस का दे रहे हैं ना 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का, उससे बहुत कम है। आप रابطہ दुकान का नंबर मैंने दे दिया है राणा जवेद साहब का, उसके आप रابطہ करके मज़ीद तसल्ली कर सकते हैं, इसके मज़ीद फीचर, इसके मज़ीद फंक्शन के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये इसकी सप्लाइयाँ देखो, एक की बजाय 2 सप्लाइयाँ लगाई हैं, ये देखो सप्लाइयाँ, ये 2 लगाई हैं, और ये जापानी सप्लाई है, ये कभी ख़राब ही नहीं होगी। इसमें हर चीज़ को मलूज़े खातर रखा है। और वाकई इसके लगाने से आपको पता चलेगा कि आपका वाकई बिल कम हुआ है। और ये अक्सर ड्रोन्स वगैरह के भी इधर आए हुए हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये नीचे पड़े हुए हैं जो वो रिपेयरिंग के लिए आए हैं। ये देखें ये वाला, ये देखें ये लॉन्ग लाइफ है, इसके नीचे जो ड्रोन्स का पड़ा हुआ है ये वाला, ये रिपेयरिंग के लिए है। कंपनी जो रिपेयरिंग ही नहीं करके देती, वो कहते हैं ले जाओ जी रख जाएँ जी, कर देते हैं जी 15 दिन 20 दिन महीना लगा देते। अगर गर्मियों में 1 महीना लग गया किसी का रिपेयरिंग में,
तो उसको तो बिल बेचारे को बढ़ गया।